हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं वो टॉपिक। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। ठीक है, पार्टिकल जो कि एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के अंदर है। ठीक है, तो आखिर इसमें ये जो टर्म है, आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि अपने तरीके से अलग। तो ये जो टॉपिक है आपका क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। ओके, किससे जुड़ा हुआ है? क्वांटम मैकेनिक्स से। तो आखिर यहाँ पे जो टर्म्स कहे जा रहे हैं कि जो टर्म है यहाँ पे, जो पार्टिकल है किसके बीच में? इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के बीच में। इसका क्या कहने का मतलब है? देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल जब हम बोल रहे हैं तो पार्टिकल कहने का मतलब है, कौन से पार्टिकल की बात की जा रही है? फ्री पार्टिकल की बात की जा रही है। कौन से पार्टिकल की बात की जा रही है? फ्री पार्टिकल। तो जब हम बोलते हैं फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल मतलब होगा कि उस पर कोई, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी क्या है? जीरो है। यानी वी जो है वो जीरो है। यानी पार्टिकल के पास जो भी एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी आप जानते हैं वो होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यानी पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है वो केवल और केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी के कारण उसकी होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। उसके पास किसी भी प्रकार के सिस्टम के कारण से कोई भी उस पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये भी कन्वेंशन लेके चलेंगे कि जो हमारा सिस्टम का पोटेंशियल है वो क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है। और ये सिस्टम चूंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इंडिपेंडेंट होने के कारण से ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है वो हम लोग किसके इक्वेशन के मदद से सॉल्व करेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मदद से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हम लोग अगला जो इसके बारे में, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। देखिए, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये एक जो हम लोग ये पढ़ने वाले, इसका एक बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। ये जो है मैकेनिक्स है ना, चूंकि आप पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के मदद से दूसरे फील्ड में आने वाले जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम होते हैं उन पे आप उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में वो होगा हमारा 1D मोशन के बारे में, 1D के मतलब। ठीक है, तो यहां पे 1D मोशन कहने का मतलब है कि पार्टिकल केवल एक डायमेंशन में मूव करेगा, या तो एक्स में, या तो वाई में, या तो जेड में। और साथ ही साथ जब हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के बीच में बोल रहे हैं तो पार्टिकल दो फिक्स बाउंड्रीज के बीच में ओसिलेट करेगा, और जिनकी पोटेंशियल, जिसकी एंड्स पे जो होंगे वो क्या होंगी? इतनी मैंने बहुत ज्यादा हाई होगी पोटेंशियल, जिसके कारण से उस रीजन में जो अदर देन रीजन उसमें पाए जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जीरो। ओके, यानी कहने का मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे है, और ये हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो दे दिया है, और ये एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है? ए। ये दो पॉइंट है, और इन दो पार्टिकल के, दो पोट जो चार्ज पार्टिकल के बीच में हमने एक दूसरा एक कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा कि ये पार्टिकल इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और ये पार्टिकल इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ये एफ वन और ये क्या लगाएगा? एफ टू। तो एक ऐसा पॉइंट भी होगा इनके बीच में जब पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और अगर पार्टिकल इधर जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये पार्टिकल एक ऐसे पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, उस पॉइंट पे जाएगा तो वहां तो नेट फोर्स जीरो होगा, यानी वो पार्टिकल स्टेबल होगा उस जगह पे। लेकिन उस पॉइंट के अलावा जब भी जाएगा पार्टिकल तो उस पे क्या लगेगा? इसके कारण से फोर्स डिक्रीज करेगा, इसके कारण से फोर्स इंक्रीज करेगा, तो नेट फोर्स के कारण से पार्टिकल बार बार अपने उस पोजिशन पे आना चाहेगा। यानी ओवरऑल पार्टिकल इस, इन दो ए और पॉइंट बी के बीच में अगर पार्टिकल ओसिलेट करता है तो ये इसको क्या रिपेल करेगा, और ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन इसका रिपल्सन इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि पार्टिकल फिर से लौट के यहां आना चाहेगा। ओके, तो कोई भी पार्टिकल अगर दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर कोई दूसरा पार्टिकल है तो पार्टिकल इन दो बाउंड्रीज के बीच में, इन दो चार्जेस के बीच में क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि पार्टिकल जो है ना इसके इधर पाया जाएगा ना इधर पाया जाएगा, यानी इन दो पॉइंट्स के बाद जो है यहाँ पे हम चाहे तो, ठीक है, हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी बता, लेकिन इसके लिए पार्टिकल उधर नहीं पाया जाएगा, यानी पार्टिकल की इधर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है जीरो। यानी ये एक तरीके का एक बहुत बड़ा बेरियर है, इस बेरियर उसके बाद वो क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग यहाँ समझेंगे कि यहाँ एक इनफाइनाइट
ठीक है, ये एक केस है कि हमें पढ़ क्या रहे, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। तो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि इस जगह पे एक बहुत बड़ी पोटेंशियल की वेरियर तैयार है जो पार्टिकल को आगे जाने से रोकती है और यहाँ पर भी आगे जाने से रोकता है, यानी इन पॉइंट्स पे पार्टिकल नहीं पाया जाएगा और सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा। ओके, तो इस तरह का जो सिचुएशन अगर तैयार होता है कहीं पर भी, जैसे हमने यहाँ चार्ज के केस में लिया है, अगर ऐसा कोई भी सिस्टम अगर तैयार होता है जहाँ पे पार्टिकल्स एक बाउंडेड के रीजन में बाउंडेड, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बाउंड हो जाता है, जहाँ पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ओके, तो उस तरह का सिस्टम आप उसको किसकी तरह सॉल्व करेंगे, अगर 1D में है तो हम उसको वन डायमेंशन इन्फाइनाइट स्क्वायर वेल की तरह ट्रीट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन तैयार किया है। ओके, अब हम लोग इस इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसकी ओर बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग जो इन्फाइनाइट स्क्वायर वेल है इसके भी हम लोग दो केसेस लेके सॉल्व करेंगे। ओके, एक हम लोग सॉल्व करेंगे, एक होगा एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल, ठीक है, और ये इन्फाइनाइट ही रहेगा, और दूसरा होगा किसके लिए हम पढ़ेंगे, सिमेट्रिक स्क्वायर वेल के लिए। ओके, तो इन दोनों के केसेस में हम लोग इसको, ये भी इनफाइनाइट है, इन दोनों के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज किया कि हमारे पास दो इनफाइनाइट पोटेंशियल के वॉल हैं, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी है, और हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू ए एक रीजन बाउंड किया है। तो जब आपको x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू ए का केस दिखेगा तो ये आपका केस होगा एसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का, और जब आपका इस तरीके से अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, जिसकी वृत्त ए ही रहेगी, जब उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। ओके, तो ये किसकी तरह काम करेगा, सिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की तरह हम इसको डील करें। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, एसिमेट्रिक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल को पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पार्टिकल किसके बीच में बाउंड होगा, इसके बीच में बाउंड होगा, यानी जो पार्टिकल है वो इनके बीच में पाया जाएगा, कहीं पर भी पा सकते हैं, और इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, और इसके बाहर, ठीक है, इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। ओके, इसलिए पार्टिकल इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है और इनके वॉल्स पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, पार्टिकल्स पे वॉल पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वहां पे पार्टिकल रह नहीं पाएगा। ओके, तो अगर इस सिस्टम के पोटेंशियल को हम लोग यहां लिखने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, वी इज इक्वल टू जीरो है, कब, जब रीजन जीरो जीरो टू ए के बीच में है, और दूसरा जब है एक्स जब ए से बड़ा हो, तो यहां पर इनफिनाइट है, और एक्स जब इससे छोटा है। ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, एसिमेट्रिक के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये किसके केस है, एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल का केस है। ओके, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ, प्ले हो रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है, चलिए, तो अगर ये एसिमेट्रिक के केस में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो देखते हैं इसको आगे किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो देखिए अगर ये एसिमेट्रिक है तो इसका मतलब वेव फंक्शन केवल इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, इधर और इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, और भी आपको पता है कि बाउंड्रीज पे क्या होती है, बाउंड्री कंडीशंस भी हम लोग इस पे लगाएंगे कि बाउंड्रीज पे नहीं पाया जाएगा, यानी इस बाउंड्रीज पे भी इसकी जीरो पाई जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलिए हम लोग श्रोडिंगर, अगर हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाते हैं, कौन सा वेव इक्वेशन लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल कैसा लिया है, टाइम इंडिपेंडेंट। तो अगर हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लगाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ओके, जहां साई क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, जो भी मीनिंग होता है आपको पता है कि साई की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्टार मॉड साई ये क्या देता है, आपका नंबर डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाता है। ओके, जो कि एक आपका रियल क्वांटिटी की तरह है। क्लियर है, और साई क्या हो सकता है, साई आपका रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, खैर इस सिचुएशन पे हम लोग आते हैं, चूंकि इस बीच में यहाँ पर पोटेंशियल आपका जीरो है तो वी का मान जीरो हो जाएगा, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस टू एम बाई एच क्रॉस का स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो, ये आपका वेव बनेगा, वेव इक्वेशन बनेगा। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए क्या करते हैं, लेट के स्क्वायर या फिर के इज इक्वल टू रूट अंडर टू एम ई बाई एच क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है। यानी इस क्वांटिटी को हम लोग क्या मानेंगे, k का स्क्वायर। तो ये जो है आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है, ओके, प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी इसके रूट्स मिलेंगे वो आपके क्या मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा, के जो है रूट अंडर टू एम ई, यहाँ ई अगर ध्यान से, के अगर पॉजिटिव है तो ई भी पॉजिटिव होगा, यानी इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन जीरो है, ओके, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव रहेगा, तो इसके कारण से इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और इमेजिनरी रूट्स में आने के केस में, चूंकि ये कैसा इक्वेशन बन रहा है, आपको पता भी ऐसे भी पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या बनेंगे, इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। कारण क्या है इमेजिनरी रूट्स बनने का, क्योंकि ये क्वांटिटी आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव है इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे आप सॉल्व करते हैं, मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में आप इसको सॉल्व करते होंगे। ये जो आप इसमें कॉमन इस तरह से निकालते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसको एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आई के, दिए दो सॉल्यूशन आप लेते हैं, तो आपको जो रूट्स मिल रहे हैं वो आपको क्या मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्या रूट्स क्या मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और इमेजिनरी रूट्स के केस में आप इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, साफ करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो जो साई एक्स आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, वो आपका आता है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ओके। तो जब इसको हमने एक इक्वेशन माना, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या निकालना, बाउंड्री कंडीशन निकाल के हमें इसके ए और बी के वैल्यू को निकालना चाहेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस पे क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन, ओके, बाउंड्री कंडीशन इंप्लीमेंट करने से ही हम इसके जो जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए बाउंड्री कंडीशन यहां है क्या, सबसे बड़ी बात है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू ए, दोनों पे, यहां पे और यहां पर, एसिमेट्रिक के केस में, ठीक है, जो आपका साई है यानी साई जीरो, और ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली क्या हो जा रहे हैं, जीरो के बराबर हो जा रहे हैं, इंडिविजुअली क्या हो रहे हैं, जीरो के बराबर हो जा रहे हैं, क्लियर है। तो अगर इंडिविजुअली ये जीरो के बराबर, अगर हम पहले वाले केस को यहां लगाते हैं तो देख सकते हैं आप यहां पे साई जीरो पे जीरो अगर है तो आप देख सकते हैं के इज इक्वल टू जीरो पुट करें जीरो, तो सिर्फ आपका बचेगा बी इज इक्वल टू जीरो, पहले बाउंड्री कंडीशन यानी बी का जो कांस्टेंट है उसका मान कितना आ गया है, जीरो। तो इसके बाद जो बच गया आपका साई एक्स इज इक्वल टू क्या बचा है, ए साइन के एक्स बचा हुआ, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को लगाते हैं साई ए इज इक्वल टू जीरो पे, तो आप क्या देखते हैं, ए साइन के ए इज इक्वल टू जीरो, ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। तो आपको क्या दिख रहा है, ए साइन के इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपके दो कंडीशन, या तो ए इज इक्वल टू जीरो होगा या तो साइन के इज इक्वल टू जीरो होगा। ए अगर जीरो हो गया तो फिर ए भी जीरो बी भी जीरो, तो इसका मतलब वेव फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन होगी, ये तो हो नहीं सकता कि ए तो आप जीरो के बराबर कर नहीं सकते, तो इसका मतलब दूसरे कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं कि साइन के ए को हमने क्या किया, जीरो। साइन के ओ को जीरो कर रहे, तो आपको पता है कि साइन के ए कब जीरो होता है, साइन जब होता है वो एन पाई का मल्टीपल होता है। देयरफोर इसका मतलब के ए बराबर क्या होगा, एन पाई, तो के बराबर क्या होगा, एन पाई बाई ए, यानी ये जो के मिल रहा है जो हमने एज्यूम किया था वो किसके बराबर है, एन पाई बाई ए,
और यहाँ n का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, n का मान आप स्टार्ट कीजिएगा 1 से, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो अब अगर k का मान ये है तो k को हमने क्या पुट किया था, 2m रूट अंडर 2m e बाई h क्रॉस बराबर क्या था, n पाई बाई a, हम स्क्वायरिंग करते हैं तो 2m e बाई एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर, हेंस आप यहां से e बराबर यानी जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m e का स्क्वायर, ठीक है। ये जो एनर्जी हमने लिखा है यही क्या है, दिस इज द, आप इसको क्या कहते हैं, एनर्जी वैल्यूज, ठीक है, एनर्जी वैल्यूज, ठीक है, ऑफ nth स्टेट, ठीक है, जो भी पार्टिकल होगा वो nth स्टेट में उसकी कौन सी एनर्जी होगी आप इसमें निकाल सकते हैं, यहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4, क्लियर, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको बचने के लिए en भी लिख देते हैं, en इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस बाई 2m a स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां से अगर n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो आराम से देख सकते हैं e1 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई 1 एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m। अगर आप यहां n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं e2 इज इक्वल टू यहां से आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर, जो कि 4 टाइम्स ऑफ e1 है। और सिमिलरली जब आप e3 निकालते हैं, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 9E1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक सिंपल सा बात समझिए, ये जो एनर्जी आई है इसे आप कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, जो कि सबसे लीस्ट एनर्जी है, ठीक है, ग्राउंड। ये कैसे की एनर्जी कहलाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ठीक है, ये आपकी किस कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसको कहेंगे आप क्या कहेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्या कहेंगे आप इसको, सेकेंड एक्साइटेड, ये है आपके ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड, इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप है, जैसे कि आप देखिए यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो वो 4E1 - E1, दैट इज आपका कितना का गैप है, 3E1। उसी तरीके से अगर E3 और E2 के बीच में गैप निकालना चाहेंगे तो वो 9E1 - 4E1 यानी आपका क्या देगा, 5E1 देगा, ठीक है। और अगला भी अगर E41 और अगर E3 में, इसके मैं 16E1 - 9E1 तो आप देख सकते हैं 7E1। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हर एक एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का जो गैप है, ठीक है, एनर्जी गैप बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स क्या होते जा रहा है, इंक्रीज करने जा रहा है। अगर हम इसी एनर्जी लेवल को यहाँ पे हम लोग दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं, सपोज कीजिए कि फर्स्ट एनर्जी आपका कितना आया था, एनर्जी क्या आया था, यानी जीरो तो नहीं है, यानी अगर मान के चलिए ये E1 है, ये n इज इक्वल टू क्या है, 1a। अगला क्या होगा, दूसरे कितने के गैप पे है आपका, 3E1, मतलब इतना का गैप पे, और जिसकी ये है आपकी एनर्जी है E1। अगला क्या है, E2 है, जो कि कितनी एनर्जी के साथ चल रहा है, जो कि इसका 4 टाइम, और इनके बीच में गैप कितना का है आपको दिखाई दे रहा है, 3E1। अगला का गैप कितना है, 5E1, जो कि देखिए गैप बड़ा हो जा रहा है, और इसकी जो एनर्जी है थर्ड, इसको हम लोग कौन सी एनर्जी कहेंगे, थर्ड वाला है, इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो आपका है 9E1। तो उसी तरह से और चलते रहेगा, अगला वाला क्या है, 7E1। तो आप देख सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, क्लियर है। यहां तक आपको समझ में आया कि एनर्जी का हमने बात बता दी कि इनको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी वैल्यू ऑफ द nth स्टेट, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, एनर्जी स्टेट या एनर्जी वैल्यूज, ठीक है, यही कहेंगे, क्लियर है। तो हमने एनर्जी की बात समझ गए कि एनर्जी क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल एनर्जी का जो गैप होता जाता है वो बढ़ते जाता है, क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वेव फंक्शन की, हमने के का मान निकाल लिया है, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे वाले को मिटाता हूं, या फिर आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे, अगर आप इस बात को यहां पे समझ रहे हैं तो इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं, अपने वीडियो को पॉज करके आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहां से अगर मैं यहां से अगर k का मान ये आया तो हमने जो वेव फंक्शन एज्यूम किया था साई एक्स, ठीक है, क्या था साई एक्स, जिसमें था a साइन k
क्या था आपका के एक्स, ठीक है, क्या था के, और के का वैल्यू कितना आया था एन पाई बाई ए। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, क्या हो जाएगा साई एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, जहाँ ए जो है क्या कहलाएगा, अब इसको नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ए को हम लोग क्या कहेंगे, और इसकी वैल्यू अभी हम लोग निकालने वाले, इसको क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसके एन का मान याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट है, वन टू थ्री फोर, ए सिमेट्रिक के केस में, ठीक है, सिमेट्रिक के केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग मिलेंगे, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर चलते रहेगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका वेव फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, क्या लगाते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो अगर कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं तो साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है आपको वन है, और यहाँ पे जो रीजन बाउंडेड है वो आपका कहाँ से कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए से, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे लगाते हैं, इस चीज को मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस चीज को अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं, अगर साई ये है तो बताइए साई स्टार कितना होगा, क्योंकि ए स्टार और यहाँ पर ए को आप यहाँ साइन एन एक्स, ओके, तो ये क्या है ए स्टार का मतलब यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो अगर कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर ए साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन, यहाँ ए और ये आपका क्या बन जाएगा मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जीरो टू क्या है आपका लिमिट ए है, और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, ठीक है। और आपने इंटीग्रेशन तो बेसिकली पढ़ा ही, इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे करके सॉल्व करते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगा के करेंगे, वन माइनस कॉस टू एन पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड सॉरी हाँ डिवाइडेड बाई टू इंटू क्या डी एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये टू इसके साथ रहेगा ए टू स्टार, और यहाँ पे जब आप इसके इसका हो जाएगा x, और यहाँ पर होगा साइन टू एन एक्स पाई बाई ए और डिवाइडेड बाई क्या होगा टू एन पाई बाई ए, और इसमें लिमिट होगा जीरो टू ए, क्लियर है जीरो टू ए। तो जब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, ये a है इसको पुट करेंगे a माइनस जीरो जो कि a होगा, और जैसे इसको आप पुट करेंगे a और a कैंसिल हो जाएगा, साइन टू एन पाई हमेशा क्या होता है जीरो, और जीरो पुट करेंगे जीरो, यानी फाइनली इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो मॉड a का स्क्वायर बाई टू इंटू क्या आ रहा है a बराबर आपका आ जा रहा है वन, ये a है, ठीक है, तो मॉड a का स्क्वायर बराबर होगा टू बाई ए, तो अल्टीमेटली a इज इक्वल टू होगा रूट अंडर टू बाई, ये आपका क्या निकल गया नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकल गया। अगर ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकल गया तो फाइनली जो आपका वेव फंक्शन आ रहा है, फाइनली आपका जो वेव फंक्शन तैयार रूट अंडर टू बाई ए इंटू साइन एन पाई एक्स बाई ए, ठीक है, ये आपका किसी भी स्टेट, ये nth स्टेट, ठीक है, का क्या निकला है वेव फंक्शन निकल रहा है, और यही वेव फंक्शन एक तरीके से वेव फंक्शन बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं एनर्जी आइजन फंक्शन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एनर्जी आइजन फंक्शन या फिर आइजन फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये a है, a का वैल्यू ये निकल गया रूट अंडर टू बाई ए, क्लियर है। तो अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां से, तो देखिए हमने जो यहाँ पर वेव फंक्शन बनाया है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने आया है साई एन जो कि प्रोबेबिलिटी है साई साई एन पाई एक्स बाई ए, ओके, ये क्या है आइजन फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर nth स्टेट में है, अगर हम n का मान वन रखते हैं तो आप क्या देखते हैं रूट अंडर साइन आपका दिखाई देता है ये पाई एक्स बाई ए, अगर n का मान टू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू बाई ए इंटू साइन टू सॉरी टू पाई एक्स बाई ए, और उसी तरीके से 2 बाई ए साइन 3 पाई, आप इसे किसकी वेव फंक्शन आइजन फंक्शन कहेंगे ग्राउंड स्टेट का, इसे आप किसके कहेंगे फिर से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, इसे आप किसका कहेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सिंपल सा है। ग्राउंड स्टेट में आप n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बोला है तो n की वैल्यू 2, सेकंड बोलेगा तो n की वैल्यू क्या होगी 3, क्लियर है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको हम किस तरीके से प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर वेव फंक्शन है
तो आप सोचिए कि x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट पे प्लॉट कर, x इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर वेव फंक्शन, और x इज इक्वल टू a तो भी जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, क्लियर है। क्या कहेगा, वेव फंक्शन क्या जाएगा, ये हमने किसको प्लॉट किया है, साई को, कब पुट किया है, साई वन को पुट किया है। और आप देख सकते हैं कि एट द मिडिल यानी एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ये जो पाए जाने की यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एन इज इक्वल टू टू यानी साई वन था तो ये साई टू होगा जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, और इसको भी अगर हम इसके मदद से प्लॉट करते हैं तो देखिए आप यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जीरो तो जीरो होगा, और एक्स इज इक्वल टू ए तो भी ए बाई ए कट के क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ए बाई टू रखेंगे तो आप देख सकते हैं ए बाई टू रखेंगे तो ए कट जाएगा, देखिए यहाँ पे जो साइन टू पाई ए है यहाँ पर अगर ए बाई टू रखते हैं तो यहाँ कट के आपका क्या देगा, पाई देगा, जो कि पाई होने पे अगेन जीरो हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इस लाइन को अगर हम लोग फॉलो करते ए बाई टू पे जीरो पाया जाएगा। लेकिन अगला देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग ए बाई फोर रखते हैं, सपोज कीजिए ए बाई फोर को, ये है ए बाई फोर का लाइन, ए बाई फोर है, ओके, क्या है, ए बाई फोर है। अगर ये ए बाई फोर करते हैं हम यहाँ से तो देखिए इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में साइन टू पाई ए बाई फोर और यहाँ पर आपका ए है तो आपका साइन पाई बाई टू जो कि मैक्सिमम, जो कि एक तरह का पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह देखिए कि जो पीक वैल्यू है वो क्या है, रूट अंडर टू बाई ए है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चलेगा, ये वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से चलेगा, और आप देख सकते हैं कि वॉल्स पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड बनाते हैं तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा, ध्यान, उसी तरह थर्ड भी बना सकते हैं, उसी तरह से क्या बनाएंगे, फोर्थ भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर ये क्या पाया जाएगा, ए बाई फोर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो ए बाई फोर और यहाँ पे क्या होगा, थ्री ए बाई फोर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, थ्री ए बाई फोर, क्लियर है इसमें, क्लियर है। तो ये आपका हो गया वेव फंक्शन। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बोला जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, वो होता है साई स्टार साई, जो कि एक तरह का हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, बस सिंपल सा है, आप जिस तरीके से फर्स्ट वाले को पुट किया एन इज इक्वल टू वन को, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगला वाला जो है बस उसको क्या कीजिए, जो नीचे वाला पोर्शन उसको क्या कीजिएगा, ऊपर कर दीजिएगा। उसी तरीके से जितने भी नीचे वाले वेव फंक्शन आएंगे उस सबको क्या कर देना है, जस्ट सबको अपर में बनाना है, नीचे में नहीं बनाना होता, क्लियर है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल जाएगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, किस रीजन में, ये हो गया, ये किसके हो गया, ग्राउंड स्टेट का, ये फर्स्ट एक्साइटेड, अगला क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का आपका निकल जाएगा, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और यहां पर आपको ध्यान देने वाली, एक टर्म हमने यहाँ पर नोड और एक क्या होता है एंटी नोड। देखिए नोड क्या होता है, जहां पर आपका नोड क्या होता है, जहां पर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, ठीक है। और एंटी नोड पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। नोड ऐसा पॉइंट को कहते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन क्या होती है, जीरो होती है, और एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इन दो पॉइंट, ये तो हमेशा नोड्स पॉइंट होंगे, कि यहां पे तो पार्टिकल्स कभी भी, चाहे वो अगले वाला भी बनाइएगा, तो नोड कभी भी, ये दो पॉइंट तो हमेशा नोड है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इस वाले फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में यहां नोड है ही नहीं, यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यानी एक चीज समझिए कि जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट में आपका अगर हम नोड लिखना चाहें और एक तरफ क्या लिखना चाहें, एंटी नोड लिखना चाहें, तो इसमें नोड जीरो है, एंटी नोड वन है। अगर हम फर्स्ट एक्साइड स्टेट में लिखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर इसमें नोड अब एक है और एंटी नोड क्या बनेंगे, दो बनेंगे। उसी तरीके से अगर लिखेंगे तो नोड दो और इसमें क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, तीन बनेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल सा देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में क्या बनेगा, नोड कितने होंगे, एंटी नोड कितने होंगे, क्लियर है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए इसमें हमने नोड के लिए आप क्या लगा सकते हैं, एन माइनस वन लगा सकते हैं, इसको हम मिटा देता हूं, और इसके लिए क्या लगा, एन, देखिए एन माइनस वन यानी ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होती है, वन, तो वन माइनस वन जीरो और इसमें वन होगा। फिर इसमें टू रखेंगे तो यहाँ पर टू माइनस वन और यहाँ पर टू होगा। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो एन इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू टू से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है, कि इसमें नोड और एंटी नोड क्या होता है। हालांकि इसमें जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, इन वॉल्स पे क्या होता है कि हमेशा नोड ही बनते हैं स्क्वायर वेल के केस में, और हम पढ़ किस कर रहे हैं, एसिमेट्री के केस में।
लेकिन जैसे कि अलावा अगर आप लॉन्गिट्यूडनल के वेव की बात करते हैं, जैसे कि आप साउंड वेव में पढ़ते हैं ऑर्गन पाइप के केस में, तो वहाँ पे वॉल्स पे एंटी नोड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एंटी नोड भी आप पढ़ते होंगे ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में। खैर वो एक अलग चीज़ है, यहाँ पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं तो हम लोग क्वांटम मैकेनिकली ही सोचेंगे। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जितना भी जो भी वेव फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं साइन, ठीक है, साई के बारे में पढ़े, ठीक है, ये क्या है, और जो एनर्जी फंक्शन है वो सारे के सारे क्या है, डिस्क्रीट है, ठीक है। जैसे कि हमने एनर्जी का जो फंक्शन लिखा है वो क्या लिखा है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर बाई क्या लिखा है, 2ma2। ये जो वेव फंक्शन है वो क्या है, डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको n का वैल्यू 1 2 3 4, क्या आपने सारे n के वैल्यूज लिए हैं, क्या डिस्क्रीट वैल्यूज लिए हैं, मतलब इंटीजर है आपका। क्या यहाँ n का वैल्यू 1.1 है, क्या यहाँ n का वैल्यू 1.2 है, क्या यहाँ 1 का वैल्यू 1.3, कोई भी डेसिमल वैल्यूज आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे इंटीजर वैल्यू, यानी n की वैल्यू 1 अलाउ किया लेकिन n की वैल्यू 1.1 अलाउ नहीं कर रहे, यानी इसमें सारे वैल्यू अलाउड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू यानी इंटीग्रल वैल्यूज ही अलाउडेड है, और उन्हीं पे ही क्या हो रहा है, जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। वो वेव पार्टिकल्स के पास वही वेव फंक्शन होगा, उसके पास पार्टिकल के पास उतनी ही पर्टिकुलर एनर्जी होगी, सारे एनर्जी उसके पास अलाउडेड नहीं है, यानी उनके बीच में हमेशा आपको क्या कहते हैं, कुछ गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बाउंड सिस्टम है, बाउंड सिस्टम में हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी आपको मिलता है, ये बात आप हमेशा देखिएगा, क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल एसिमेट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तब चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर भी हम लोग इस तरह के केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।